हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रामवीर राजपूत स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। हाँ, पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बातें की थी, किसके बारे में, आयरन के बारे में। मज़ा भी बहुत आया था कि भाई बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को हमने क्लियर किया था। वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आने वाले हैं। थोड़ा सा हम पिछली क्लास की तरफ एक और बार रुख करते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये आज की क्लास भी काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो ज़रा पिछली क्लास को हम जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे आज की क्लास से, जब तक आज की क्लास को हम आगे रन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा हम पिछली क्लास में चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था फेरस मटेरियल आयरन वगैरह के बारे में। ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ा था, फेरस मटेरियल। और आपको याद भी होगा, क्या याद है भाई, कहाँ से आया आयरन, कहाँ से आया, तो ज़मीन में से निकाला गया अयस्क के रूप में, और के रूप में। सबसे अच्छा अयस्क कौन सा था लोहे का, सबसे अच्छा था मैग्नेटाइट, जो इंडिया में काम है। और दूसरे नंबर पे क्या था, फिर क्या था आपका, हेमाटाइट, हेमाटाइट के बाद लेमोनाइट, फिर सेडेराइट। तीन तरीके के हमने, वो चार तरीके के हमने क्या किए थे, अयस्क देखे थे। ठीक है, अयस्क निकालने के बाद में उसका क्या किया था, पृथक्करण किया था, यानी साफ़ सफाई की थी उसमें से, जो भी और भी अदर जो पार्टिकल होते हैं, और भी जो धातु होते हैं, उनको क्या किया था, मेटल्स को बाहर निकाल करके अलग कर दिया था। ठीक है, तो सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा फेरस मटेरियल मतलब लोहे की प्रतिशत मात्रा रहती, कितनी रहती है भाई, 74%। शाबाश, 74%। हाँ, तो हम जरा पिछली क्लास में देख लेते हैं एक बार, हमने फिर मतलब उसकी मतलब किस तरीके से कौन कौन से लोहे प्राप्त किए थे। सबसे पहली हमारी जो फॉरनेस आई थी पिछली क्लास में, याद है ना आपको, पिछली क्लास में सबसे पहली फॉरनेस अपनी कौन सी आई थी भाई, हमारी सबसे पहली फॉरनेस आई थी, ये थी हमारी सबसे पहली फॉरनेस, ब्लास्ट फॉरनेस, विस्फोटक भट्टी या वास्या भट्टी, है ना। इसके अंदर से हमारे को जो लोहा निकला था वो कौन सा था, कच्चा लोहा, पिग आयरन। कल याद आया नहीं आया भाई, जब कोई चीज़ टूट जाती है, यानी टूटने वाला, यानी कैसा है, भंगुर है। अगर कोई चीज़ क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो टूटने के बाद में आप उसे घर में रखते हो क्या, नहीं रखते हो, तो फिर क्या कर देते हो, उसे फेंक देते हो। फेंकने के बाद में भाई फेंकोगे कहाँ, कचरे के ढेर में, और कचरा कचरे बड़े कचरे के ढेर में जाएगा, और वहाँ कौन सा जानवर है जो झुंड में पाया जाता है, कौन सा है, पिग। और पिग को ये हम क्या, जो टूट गया, कच्चा है कि पक्का, कैसा है, कच्चा है। तो कुल मिला करके हमने ये चीज़ पढ़ी थी। भट्टी, भट्टी को हमने क्या कर दिया था भाई, भट्टी हमारी ऐसी थी ना, देखो, अरे तुम लोग भूल जाते हो यार, भट्टी हमारी क्या थी, बंद थी, पी समानुपाती क्या था, एच था। और हमने पढ़ा था कि भाई जब भी किसी चीज़ को हम क्या करते थे, ढक देते, भगोनी वगैरह में चाय वगैरह है तो उसे क्या कर दिया, मतलब पानी वगैरह है तो उसे बंद कर दिया, आवाज़ आती बुट बुट बुट। तो यहाँ तो लोहा, यहाँ तो लोहा क्या होगा, उबलेगा, तो आवाज़ तो किसकी आएगी, आवाज़ आएगी ब्लास्ट, किसकी आवाज़ आएगी, ब्लास्ट की, है ना। अब ब्लास्ट की आवाज़ आएगी तो याद आ गया ना, वो अंग्रेज जो तो उठके के भागा था, उसने क्या बोला था, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, तो इस भट्टी का नाम क्या पड़ गया था, ब्लास्ट, याद आ गया ना पिछली क्लास में। अच्छा, आपसे मैंने क्या बोला था, आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, बिल्कुल, अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कार्बन की परसेंटेज। सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रखना है, कार्बन की परसेंटेज कितनी परसेंट होती है, 6 से 7%, 6 to 7%। अच्छा, अब हम इससे इस परसेंटेज को निकालना सीखते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लास्ट वाली जो डिजिट थी ना, लास्ट वाली 7, 7 में क्या करना था, 1 प्लस करना था, 100 में से माइनस करना था, तो 92 से 93%। ठीक है, पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब होता है परतदार, एक के ऊपर एक परत। ठीक है, देखो जैसे कांच होता है ना, तो कांच पे जैसे चोट पड़ेगी ना, तो क्या होगी, पूरी परत ही क्या हो जाती है, फिसल जाती है, पूरी परत फिसल जाती है, तो कांच सारा का सारा, ऐसा नहीं होता कि आधी दूराई तक टूट गया फिर रुक गया, ऐसा नहीं होता। ग्लास के अंदर सीधा ग्लास सारा का सारा क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसे ही हमारे इस आयरन की भी क्या होती है, मतलब प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी में अगर हम देखें आंतरिक संरचना देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो वो भी क्या है, पेरिफेरल है, यानी अगर टूटेगा, परतीय संरचना है तो टूटेगा, तो सारा ही एक साथ टूटेगा। अब देखिए नीचे वाला, फिर आएंगे हम, क्या देखा हमने भाई, गलनांक इसका कितना होता, तो गलनांक हमारा कितना है, 1050 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर कोई भी मैक्सिमम आता है, अधिकतम वाला आता है, तो हमें अधिकतम वाले पे लगाना पड़ेगा, है ना। अन्य उपयोग क्या है,
भरण में प्लेटफॉर्म बनाना, जहाँ पर भी खोखली जगह होती है ना उसे क्या करना, मजबूत कर देना। तो खोखली जगह को मजबूत करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, भरण यानी उस चीज़ उस वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को, इस मटेरियल को हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ हाँ भाई, थोड़ा सा अभी तुम्हारे डाउट वाउट चल रहे हैं, क्या नाम है उसका, इसको लेकर के, वैकेंसीज को लेकर, सीटों को। अबे यार उस चीज़ को छोड़ो ना, वो होगा जो देखी जाएगी, है ना। पहले पढ़ाई की बात कर लो, पढ़ लो पहले, पढ़ने में किसी और कोई नुकसान नहीं होने वाला है, मज़ा आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे सारे इधर ही ध्यान देते रहो, पढ़ते रहो, बूंद बूंद से गड़ा भरते रहो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आएगा एग्ज़ाम का रिजल्ट भी अच्छा आएगा और सब बढ़िया ही होने वाला है, अगर आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब देखो, हमने दूसरे नंबर की कैटेगरी की जब बात की थी, मैंने क्या कहा था, एक फॉर्मूला मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था, और ये फॉर्मूला मैं आज की क्लास में एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, फिर इसके बाद में ये फॉर्मूला आज की क्लास के बाद में दोबारा से नहीं आएगा। तो जरा समझना, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही आप टेक्निकल के काफ़ी सारे, मेटल से संबंधित काफ़ी सारे आप क्या दे पाओगे, जवाब दे पाओगे, नहीं वरना गड़बड़ हो जाएगी। अभी स्टील भी पढ़ना है, स्टील के बाद में अलॉय स्टील भी पढ़ना है, तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ों में यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई हमारे को क्या जवाब देना है। देखो, किसी धातु में, किसी धातु में अगर आपने क्या मिला दिया, कार्बन मिला दिया, और कार्बन की परसेंटेज अगर 2% से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो कार्बन उस धातु को क्या बना देता है, भंगुर यानी ब्रिटल बना देता है, भंगुर यानी ब्रिटल बना देता है। 2% से कम हो जाती है तो क्या बना देता है, कठोर, कठोर बोले तो हार्ड बना देता है। और अगर कार्बन की परसेंटेज यानी सी की परसेंटेज किसी धातु के अंदर, किसी धातु में, किसी धातु में, धातु यानी मटेरियल, मेटल में, है ना, किसी धातु में लगभग बराबर 0% हो जाए, लगभग बराबर कितना परसेंट हो जाए, तो 0% हो जाए तो क्या बना देता है, नरम बना देता है, क्या बना देता है, नरम यानी सॉफ्ट बना देता है। तो इस वाली बात को आप हमेशा याद रखना, नहीं तो मामला गड़बड़ करके आओगे आप लोग, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, तो अब देखो यहाँ पर क्या था, हम क्या देख रहे थे, हम क्या दे रहे थे, देख रहे थे अगला, है ना। यहाँ क्या प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पर हमारे सामने एक ही प्रॉब्लम आई थी कि जब हमने इस लोहे को निकाला, जमीन में से निकाल कर उसको पृथक्करण किया, और पहली पृथक्करण हमने करने के बाद में, पहली साफ सफाई करने के बाद में हमें पिग आयरन मिला, पिग आयरन से फिर दोबारा से हमने पिग आयरन को कहाँ डाला, इस वाले क्यूपोला फर्नेस में डाला। और क्यूपोला फर्नेस क्या थी, ऊपर से खुली हुई थी, गरम गरम लोहा निकलता था, उसको सांचे में किसी आकार में, किसी आकार में उसे ढाल दिया जाता था। और ढालने के बाद में, क्लास में मैंने आपको बताया था कुभार का एग्जाम्पल, किसी एक सांचा लेना है, उस सांचे के अंदर इसको क्या कर देना, डाल देना है, ठीक है, पिघले हुए मटेरियल को डालना है। पिघले हुए मटेरियल को डालने के बाद उसके अंदर सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद में 24 से 48 घंटों के लिए, कितने घंटों के लिए भाई, 24 से 48 घंटों के लिए उसे धीमी दर से क्या होना है, ठंडा, गर्म रेत, राख या बंद वातावरण के, बंद वातावरण मतलब ना तो हीट बाहर जा सकते, ना ही हीट अंदर आ सकते, तो उसको ले जा करके हम एक जगह रख देंगे, रखने के बाद उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद में वो धीरे धीरे क्या होगा, धीमी दर से होगा ठंडा, और धीमी दर से जब ठंडा होता है तो उसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, है ना, सामान्यकरण की प्रक्रिया। जब हम इस पर नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, देखो मैंने आपको बाद में बता दिया था, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, जब हम क्या कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे से उपयोगी, नॉर्मलाइजेशन से उपयोगी, जब हम क्या कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, वरना ये नॉर्मलाइजेशन के बिना उपयोग में लेने लायक कंडीशन में नहीं होता है, फिर तो ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि मतलब कमजोर रहता है, ठीक है। अच्छा, इस लोहे को एक बार आपने अगर ढलाई कर दी, मतलब एक बार आपने उसकी कास्टिंग कर ली, तो कास्टिंग करने के बाद जैसे ही शेप में वो एक बार बन गया, अब आप इसकी शेप में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करने से मतलब यह है कि आप उसके ऊपर फोर्जिंग विधि से यानी चोट पहुंचा करके आप किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हो। अगर आपने लाने की कोशिश भी की तो पता है एक सीमा तक तो ये क्या करेगा, उस फोर्स का क्या करेगा, मतलब उसको हटाने की कोशिश करेगा, उसको सहन करेगा, और सहन करने के बाद में एक सीमा ऐसी आएगी वो क्या हो जाएगा, अचानक से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, मतलब कि पूरी तरीके से ये कहा जाए इसको दोबारा दूसरे शेप में फोर्सिंग विधि से नहीं बदला जा सकता,
और अगली बात, अगर मान लो ये क्रैक हो गया, अगर ये आयरन क्या हो गया, क्रैक हो गया, तो क्रैक होने और मिट्टी का घड़ा टूटने के बाद में आप उसे क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो क्या? मैंने कल पिछली क्लास में पूरी चीज़ें समझाई थी। तो क्या ऐसे ही यहाँ पर इस लोहे के ऊपर आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हो? वेल्डिंग नहीं कर सकते तो ये केवल ढलाई करके ही प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, जो चीज़ ढलाई करके प्रयोग में लाया जा सकते वो क्या है, ढलवा लोहा, यानी कास्ट आयरन। कौन सा आयरन है भाई? कास्ट आयरन। हाँ, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई परेशानी बात तो नहीं है? हाँ, इलेक्ट्रिकल वाले भैया, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, फिटर से हो, डीजल से हो, टर्नर से हो, मशीनिस्ट से हो, जो भी ब्रांच है आपकी, किसी भी कारपेंटर से लेके किसी भी ब्रांच के हो, आपको इस क्लास को पढ़ना पड़ेगा, या वो आपकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इन्हें नहीं पढ़ोगे तो टूल्स का जवाब कहाँ से दोगे, औजारों का जवाब कहाँ से दोगे? और बताओ कौन सी ITI की ऐसी ट्रेड है जिसमें औजार नहीं आते, टूल्स नहीं आते? फिर उसके बाद में और भी कई चीज़ें हैं जिसमें आपको यहाँ से ज़रूरत पड़ने वाली है, और एग्ज़ाम के अंदर अगर ये नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर मामला तो तुम्हारा गंभीर है ही सही, ठीक है? हाँ जी भाई, भाई पहली बार ऑनलाइन देख रहे हो, कोई बात नहीं, नीरज कुमार मेहता बोल रहे हैं, हम पहली बार ऑनलाइन देख रहे हैं, बाकी सारी वीडियो देख दो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। और कोई दिक्कत आए तो यहाँ से आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको यहाँ क्या बता रहा था भाई, क्यूपोला फॉर्नेस के बारे में बता रहा था। आप इसमें लोहे को डालते हो, लोहे को डालने के बाद में क्या करते हो, गरम गरम लोहे को क्या करते हो, निकालते हो बाहर, ठीक है? अब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजिंग करके ही उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजिंग से पहले ये क्या था, भंगुर यानी ब्रिटल था। जैसे हमने इसके ऊपर नॉर्मलाइजिंग की और नॉर्मलाइजिंग करने के बाद में जब हमने इसको यूज में लिया और देखा, तो ये क्या है, नॉर्मलाइजिंग करने के बाद में क्या हो गया, हार्ड हो गया, कठोर हो गया। तो दुनिया का सबसे कठोर लोहा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कठोर लोहा कौन सा है, सर्वाधिक कठोर लोहा कौन सा है, तो आपको सीधा सीधा जवाब क्या देना है भाई, दुनिया में इससे तगड़ा लोहा, इससे कठोर लोहा नहीं बना है, शुद्ध अवस्था में का ढलवा लोहा है ना, तो इससे ज्यादा कठोर कोई भी नहीं बना। संरचना कैसी होगी, दानेदार होगी। दुनिया में ध्यान रखना, जितनी भी संरचनाक्रिस्टलीय है ना, जितनी भी आपकी क्या नाम है, जितनी भी धातुएं जो कठोर हैं या जितने पदार्थ जो कठोर हैं, उन कठोर पदार्थों की संरचना हमेशा क्या होती है, दानेदार। दाने का आकार फिक्स नहीं होता, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लॉक करके रखते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा क्या है, कठोर है। कठोरता की डेफिनेशन क्या कहती है, कठोरता की डेफिनेशन सीधे सीधे शब्दों में कहती है कि ना तो उसकी आकृति में परिवर्तन किया जा सके, ना ही खुर्चा जा सके, ना ही खुर्चे जाने, काटे जाने, घिसे जाने, घर्षण आदि का क्या करे, विरोध करे, और अधिकतम दाव लगाने पर आकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, और आकृति में परिवर्तन हुए बिना अधिकतम भार लगाया जाए तो आकृति में परिवर्तन हुए बिना वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो वही क्या कहलाता है, कठोर कहलाता है। अगर आकृति में परिवर्तन हो गया फिर वो कठोर नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, है ना कि नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, टेनेसाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेनेसाइल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, गलनांक वगैरह आपको मालूम है, क्या काम आता है, सिलेंडर, इंजन का जो सिलेंडर है, पिछली क्लास में हमने भी बात की थी, इंजन का सिलेंडर है ना, और सिलेंडर और मशीनों के बेड जानते हो भाई, लेथ मशीन है, सिलाई मशीन है ना, और ड्रिल मशीन के सरफेस प्लेट है, ड्रिल मशीन की प्लेट है, वर्कशॉप जो होती है उस वहाँ की जो टेबल होती है वो, यानी जहाँ पर भी ऐसी जगह, जहाँ पर भी मतलब इसको, जहाँ पर विकृति नहीं आ सकती, इसमें विकृति नहीं आती इस लोहे के अंदर, विकृति मतलब उसकी मतलब आकृति में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है ना। तो कुल मिलाकर के कहा जाए यहाँ पर आपके बेड बनाने में मतलब बाहरी आवरण बनाने में, अगर किसी चीज़ में चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसके वाइब्रेशन देखो, वाइब्रेशन होंगे तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए। वाइब्रेशन को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता हो, तो मशीन तो है, कास्ट आयरन का फ्रेम बना रखा है, उसमें मशीन फिट कर रखी है, अगर बहुत तेज स्पीड से घूमती है तो मूव तो होगी तो मूव होने के बाद में, लेकिन वो क्या नाम है, जो मशीन का जो बेस बना हुआ वो कास्ट आयरन का बना हुआ, तो वो मूव कभी हो नहीं सकता, तो उसके सारे मूवमेंट को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, कास्ट आयरन, और हमारी जो भी पुर्जा उसके ऊपर चल रहा है या जिस पर भी आप लेथ मशीन है तो कटिंग कर रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो हिलने के कारण एक्यूरेसी बिगड़ सकती है, लेकिन वो हिलेगा नहीं, क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि उसका बेस किसका है, कास्ट आयरन का है, तो
तो सीधी सी बात है एक्यूरेसी बहुत अच्छी आने वाली है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, आप ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो, आप चले जाओ इसके अंदर, आपके अल्टरनेटर के अंदर जाओ, आप मोटरों के अंदर जाओ, जनरेटर के अंदर जाओ, तो इनके योक यानी बॉडी वो भी किसका बनेगा, कास्ट आयरन का बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आयरन है, इसके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन हमारी परीक्षा, हमारी क्लास में, हमारी परीक्षा के अकॉर्डिंग हमारा इसमें हो जाएगा। फिर क्या होता है, पिट वाला लोहा, भाई मैंने बताया ना सेठ जी हथौड़ा लेके आए तो पीटते गए तो वो क्या होगा, पिट पिट के क्या हो गया, फैल गया। भाई जब चोर की ज़्यादा मार पड़ जाती है ना, ये तो फैल जाता है, और ज़्यादातर आजकल चोरों को जो मालूम रहता है कि भाई जैसी एक दो पड़े तो अपन को क्या करना है, फैल जाना है तो बताओ बच जाएंगे, नहीं तो ये मुझे जब तक मारेंगे कि मैं उसमें फैल दे जाता। तो कुल मिलाकर के इस बात को आप समझ गए होंगे कि भाई अगर हम किसी चीज़ पर चोट पहुंचाते हैं तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है अगर नरम है तो भाई ये क्या है, आघात वर्धनी। और जहाँ आघात वर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी मिलेगी वहाँ पर तन्यता यानी टेनिसिटी है ना, समझ रहे हो, टेनिसिटी मिलेगी, अब टेनिसाइल मिलेगी ना। तो तन्यता का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम पकड़ के क्या कर दें, खींच दें, तो किसी चीज़ को हम क्या कर देंगे, खींच देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका तन्य कहलाता है, ठीक है। अब ये किसी संरचना कैसी होती है, रेशेदार होती है ना, और रेशेदार होने के बाद में उसका गलनांक कितना है, 1539। एक और बात याद रखना, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, क्योंकि एग्जाम में ये आ चुका है ना, कि एग्जाम में पूछा जाता है बताओ ये भाई लोहे का, अब सुनो मेरी बात, ये शुद्ध लोहा है, ये दुनिया का सबसे शुद्ध लोहा है ना, शुद्ध लोहा है, तो इसे हम यहाँ पर केवल और केवल लोहा, यहाँ लोहा है ना, तो केवल और केवल हम लोहे के अकॉर्डिंग में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो यहीं से हमें जवाब देना है। जरूरी नहीं कि हमारा पिटवा या रॉट आयरन से ही आपको क्वेश्चन क्रिएट करे, वो आपसे क्या कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई लोहे का गलनांक कितना होता है, तो आपको कितना बताना है, इतना। लोहे की संरचना भाई शुद्ध चीज की तो बताओगे, रेशेदार होती है ना, तो रेशेदार संरचना का मतलब भाई आप तार दानेदार चीज का बना सकते हो, परती चीज का बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते, तो क्या होगा, तो आप किसका बनाओगे, आप किसका बनाओगे, तो हमेशा आप याद रखना, रेशेदार जो जितने भी पदार्थ होंगे उन्हीं से तार बन सकता है, और दुनिया की जितनी धातुएं जिनके चद्दर और तार बनाए जा सकते हैं उनकी संरचना क्या होगी, रेशेदार। अब सुनो एग्जाम में क्या पूछा गया था, चांदी की संरचना कैसी होगी। अब एग्जाम में पूछ लिया भाई चांदी की संरचना कैसी होगी, तो बताओ क्या जवाब देकर क्या हो गया आप, भाई चांदी की चद्दर यानी देखा और आभूषणों में और उनमें चांदी की चद्दर भी बनती है और तार भी बनता है, तो वो भी कैसे संरचना कैसे होगी आपकी, रेशेदार। अगर आपसे कॉपर की पूछ लेता है, तांबे की पूछ लेता है, तांबे की प्लेट भी बनती है और वायर भी बनता है, तो आप मुझे एक बात बताइए जितनी भी धातुएं उन सबकी संरचना कैसी होगी, रेशेदार। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझ गए भाई। अब कार्बन कितना होगा, 0.15%, कहानी यहीं पर समाप्त होती जा रही है और यहीं से नई कहानी अब हमारी क्या होगी, शुरू होगी, है ना। और एग्जाम के अकॉर्डिंग आज की जो क्लास है वो यहीं से शुरू होने वाली है। जब हमारे पास कार्बन इतना मौजूद है तो हमारे पास लोहा कितना है, 99.85%, 99.85 रुपये तो हैं आपके पास, और फेस्टेज कितने हो गए, 0.15। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग बराबर क्या है ये, मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, लगभग बराबर ये क्या है, 100%, ठीक है। और मैं यहाँ ये क्या कह सकता हूँ, ये लगभग बराबर कितना है, 0%। और जिन धातुओं में कार्बन के परसेंट है लगभग बराबर कितनी परसेंट हो जाती है, 0 हो जाती है, वो धातु कैसी हो जाती है, नर्म। अभी 2 मिनट पहले बताया था, क्लियर हो गए होगे, बात समझ में आ गया होगा। अब क्या बनेगा, चद्दर बनेगी, चैन बनेगा, पानी के पाइप, भाप पाइप वगैरह एक्सेट्रा, ये सब क्या है इसके उपयोगी, जो भी आपके काम में लाए जाने वाले उपकरण वगैरह जो भी चीज़ है वो है। तो चद्दर वाहन, अब चलो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट हम क्या देखने वाले हैं, स्टील देखने वाले हैं भाई। आज का जो पॉइंट है वो क्या है, स्टील है ना। तो पहले मैं आपको स्टील समझा देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से आप इसको क्या करना देख लेना, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद, धातु प्लस कार्बन कितना परसेंट, 2 से ज़्यादा भंगुर, 2 से कम कठोर, और 0% पर नरम, ठीक है। अब देखो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। भाई हम बात कर रहे थे स्टील की, इस्पात की, स्टील कह दो या इस्पात कह दो, बात एक ही है ना। अभी क्या करना रहता है भाई, Fe यानी लोहा में क्या मिला दो, कार्बन, तो बराबर क्या हो जाता है, स्टील।
तो एग्जाम में पूछा जाता है लोहे में क्या मिलाकर स्टील बनाया जाता है, लोहे में क्या मिलाकर स्टील बनाया जाता है, तो बताओ भाई क्या क्या बोलोगे आप, आंसर क्या बोलोगे, क्या मिलाकर बनाया जाता है, तो आपको क्या बोलना है, कार्बन। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कार्बन का रंग कैसा होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कार्बन का कलर कैसा होता है, फास्ट, कार्बन का कलर कैसा होता है, कार्बन का कलर कैसा होता है, बताओ बताओ फास्ट, कार्बन का कलर कैसा होता है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार, वाह रे वाह शेरों, तुम कमाल करोगे, पक्की बात है, 100%, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ यहाँ पर मेरे पास जो डिस्प्ले चल रहा है ना अभी, उसमें सभी का जो आ रहा है वो सभी का क्या आ रहा है आपका, ब्लैक 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 आ रहा है सभी का, और मैं एक बच्चे का आया है मेरे पास, मैं थोड़ा ऊपर की साइड जा कर के देखना चाहूँगा इसको, भाई एक ही स्टूडेंट ने मुझे थोड़ा सा इसका सही जवाब दिया है, नो कलर लिखा है उसने ना, मैं नो कलर वाले को थोड़ा सा देखना चाह रहा था नाम क्या था, चलो जो भी है। बाकी मैक्सिमम ने क्या लिखा अपन का, मैक्सिमम ने क्या लिखा है हमारा, मैक्सिमम समझदार ही है, तो मैक्सिमम क्या लिख रहे हैं आपका, मैक्सिमम लिख रहे हैं 90% क्या 99% बच्चे लिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, काला काला ब्लैक, नो, अच्छा ये नो कलर है। हरिकेश यादव, हरिकेश यादव ने लिखा है नो कलर, शाबाश शेर। हाँ ध्यान से सुनना भाई, कल की क्लास में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया था कोयला कोयले से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से हीरा, और हीरे में होता है 100% कार्बन, याद आया नहीं आया, और अगर हीरे में 100% कार्बन होता तो भाई अगर काला होता कार्बन तो हीरा कैसा होता है, यार दिमाग से सोचो यार थोड़ा सा, तो कार्बन कैसा होता है, कार्बन होता है पारदर्शी, कैसा होता है पारदर्शी, जिस पर कोई कलर नहीं होता। अब सुनो मेरी बात, कार्बन में चमक होती, मतलब हीरे में चमक होती है नहीं होती है, होती है, तो बताओ कार्बन अगर किस में मिलाया जाएगा, लोहे के अंदर मिलाया जाएगा, किसी भी जगह मिलाएगा तो चमक बढ़ेगी कि घटेगी, अब सोचो ज्यादा मार्क्स से फास्ट, भाई बढ़ेगी चमक, क्या हो जाएगी ब्राइटनेस उसकी क्या होगी, बढ़ेगी चमक क्या आएगी उसमें, ज्यादा आएगी। और अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूं कि उसकी कठोरता कम होगी कि ज्यादा होगी, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, बिल्कुल बात सही है, 100% भाई उसकी कठोरता भी बढ़ेगी, मैंने बताया था दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा, सबसे ज्यादा गलन किसका है, हीरे का। कोई भी क्लास में कोई भी चीज गलत वेस्ट नहीं होती है, हर चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो भाई क्या होता है कि भाई जहां पर भी कार्बन मिलाया जाएगा, भाई मैं तो वहां हीरे का एग्जांपल दिया था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था हीरे के अकॉर्डिंग, लेकिन आप समझो जरा कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, कार्बन सबसे कठोर होता है, सबसे उच्च गलनांक वाला होता है, और जहां पर भी मिलाया जाएगा वहां चमक बढ़ाएगा, काला नहीं होता है। तो अब क्या करने वाले, हमने यहां पर कार्बन मिला दिया, कार्बन मिलाया किसके अंदर, लोहे के अंदर, तो क्या बना, स्टील बना। अब सुनो मेरी बात, अगले पॉइंट पर चलते हैं, कार्बन को हमें कितना मिलाना है, तो आप याद रखना, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने लोहा पढ़ा था, लोहे के अंदर शुद्ध लोहा पढ़ा था, शुद्ध लोहे में 99.85% शुद्ध लोहा जो पढ़ा हमारे पास, जो लोहा था उसमें 99.85% तक तो लोहा पहले ही मौजूद था, और दहेज में क्या आया था, 0.15% कार्बन यहाँ पर मौजूद था, 0.15%। अब अगर ये दोनों पहले से ही मौजूद था तो पहले से ही कार्बन इतना आ गया, दूध में पहले ही इतना पानी मिला हुआ है, तो हमारी पानी मिलाने की शुरुआत होगी वो तो यहाँ से ही शुरू होगा ना, तो लोहे के साथ में हमारे को कार्बन मिलाना है, कार्बन हम कहाँ से कहाँ मिलाएंगे, 0.15% से, 0.15% से कहाँ तक मिलाएंगे, 1.6% तक, क्लियर होगी बात, 0.15% से कहां तक मिलाएंगे, 0.16% तक। अब सुनो यहां से कार्बन की इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग पार्ट कितने बनते हैं, तीन पार्ट बनते हैं, पहले नंबर पर
पहले नंबर पे आएगा, पहला आएगा आपका लो कार्बन स्टील, ठीक है। लो कार्बन स्टील, अब ध्यान सुनो हमारी परसेंटेज कितनी है, जरा यहाँ ध्यान से देखना आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। आप शुरू कहाँ से हो रहे हो, 0.15% से हो रहे हो ना। अरे एग्जाम में आप लोग भूलोगे मानोगे तो हो नहीं, शुरू कहाँ से हो रहे हो आपको ये तो याद रखना है, ये तो लोहे के अंदर आ रहा है तो ये तो याद होगा ही, इसी कहाँ तक चलना है 1.6 तक चल रहा है, ये आपको याद रखना है। अब आपको इसको करना है दुगना, और 1.6 आपका इधर था तो इसको क्या करना है आधा, समझो मेरी बात को, 0.15% को क्या करना है दुगना, दुगना कितना होता है 0.30% होता है, ठीक है। अच्छा 15 का दुगना कितना हो गया 30, और 16 का आधा 0.1.6 का आधा कितना हो गया 0.8। तो ध्यान से समझो जरा बात को, अब मेरी बात को जरा यहाँ समझना, इसको हमने दुगना किया तो मिला हमें लो कार्बन स्टील, क्या मिल गया हमें लो कार्बन स्टील, ठीक है। इसको हमने आधा किया, इसको हमने आधा किया तो हमें मिलेगा हाई कार्बन स्टील, और अगर हम इस बात को और इस बात को कर दे जोड़ दे तो ये मिलेगा मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। तो हमारे पास तीन कैटेगरी आती है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और क्या आता है हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील 0.15%, शुरुआत यहीं से होगी, से कितना आएगा 0.30%। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में अगर आप गए और ज़्यादा पढ़ते हो तो बुक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई, देखो अगर कार्बन इतना है, क्या है ये, किसकी परसेंटेज है कार्बन की, है ना। अगर कार्बन कितना है इतना है, बाकी क्या होगा, बाकी तो होगा लोहा, बाकी क्या होगा लोहा, अगर कार्बन इतना है तो बाकी क्या होगा लोहा होगा, यानी इसके साथ में क्या और जुड़ना चाहिए एफ ई और जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो बाकी लोहा होगा 99.70% तक लोहा होगा, तो कार्बन तो बहुत कम हो गया भाई 0.30% यानी कि 30 पैसे, 100 रुपये में 30 पैसे ना के बराबर, और ना के बराबर अगर कोई चीज़ होती कार्बन जहाँ ना के बराबर होता वो चीज़ कैसी होती, नरम, तो हम इसे बोल सकते हैं नरम इस्पात, नरम इस्पात बोले तो सॉफ्ट स्टील भी कहा जा सकता है, वैसे जैसे सॉफ्ट आयरन कहा था ना तो सॉफ्ट स्टील भी हो जाएगा, तो नरम इस्पात कह सकते हैं इसको, हम संस्कृत में क्या कह सकते हैं मृदु इस्पात। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कभी तुम नरम पढ़ते हो कभी मृदु पढ़ते हो और फिर इन दोनों से बचते हो तो बाद में आपको क्या मिल जाता है माइल्ड, माइल्ड स्टील, है ना। तो ये तीनों ही वर्ड इसी के हैं, किसके हैं लो कार्बन स्टील के, यानी माइल्ड, लास्ट में क्या है आपका माइल्ड स्टील, तो ये तीनों वर्ड किसके हैं इसी के। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो एग्जाम में अपने को ऐसा नहीं है कि भेजे में रटना ही रटना है, रटने से भी काम नहीं चलता है, थोड़ा समझना भी, है ना। तो माइल्ड क्या हो गया स्टील, माइल्ड स्टील को, माइल्ड जो स्टील है स्टील को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं MS भी कहते हैं, क्या कहते हैं MS, ठीक है MS भी कहते हैं। अच्छा क्या बनेगा इससे भाई, वही चीजें बनेंगी जो नरम है, तो नरम से क्या बनेगा चद्दर, तार, शीट, शीट तो वही है चद्दर हो गया, चैन, की वगैरह, और हमारे जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो ऑटोमोबाइल में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके जो बाहर की जो बॉडी होती है ना कि नहीं, बॉडी होती है ना, तो बाहर की जो बॉडी होती है ऊपर की रूफ चद्दर की बनी होती है, सारी चीज़ें सब किसकी बनी होती है चद्दर की बनी होती है। अब इसका नाम क्या है, इसका इसके अंदर क्या है परसेंटेज कितनी होगी कार्बन की, वो होगी 0.30 से 0.8 तक, 80% तक, ठीक है। और बाकी क्या होगा इसके अंदर, बाकी क्या होगा आयरन, इसका एक ही नाम है, कौन क्या नाम है मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है, और हाई कार्बन स्टील को जरा समझो। अब मीडियम कार्बन स्टील का क्या बनेगा शाफ्ट, शाफ्ट जानते हो जो वजन सहन कर सके, फ्रेम बनेंगे इसके, क्या बनेंगे फ्रेम, फ्रेम किसी भी चीज़ का, फ्रेम भी क्या कर सकता है वजन सहन कर सकता है भाई, वजन सहन करेगा, ज़्यादा वजन सहन नहीं करेगा, सीमा तक बनेगा, सामान्य भार, कौन सा भार सामान्य भार, सामान्य भार को सहन करने वाले जितने भी उपकरण या औजार होंगे वो
वो सारे सारे मीडियम कार्बन। अब ये क्या आ गया आपका, आ गया हाई कार्बन स्टील। ये कितना होगा 0.80 से शुरू होगी कहानी और ख़त्म कहाँ हो जाएगी 1.6% पर जाकर के ये ख़त्म हो जाएगी। अब सुनो, हाई कार्बन स्टील से हमारा क्वेश्चन कई बार रिलेटेड होता है, हाई कार्बन स्टील में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप देखो हाई कार्बन स्टील में अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा बताइए, फाइल किसकी बनी होगी बताइए, फाइल किसकी बनेगी, चीजल किसकी बनेगी, स्क्राइबर किसका बनेगा, स्क्रैपर किसका बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है लाइन से, हैमर किसका बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है लाइन से, और पूछ लेगा रेलवे ट्रैक किसका बनेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कब तक रटेंगे, कब तक पढ़ेंगे, तो इसके लिए सीधा सीधा समझो, वे सभी औजार जैसे पंच है, पंच जानते हो मार्किंग को पक्का करने का काम आता है, तो पंच है, तो पंच पर क्या होता है हथौड़ा यानी हैमर से क्या पहुंचाई जाती है चोट, और जब पंच पर से हैमर से चोट पहुंचाई जाती है तो जितने भी औजार हैं जिनमें हथौड़े से चोट पहुंचाई जाती है, हैमर का उपयोग किया जाता है, वो सारे के सारे औजार किस में आ जाएंगे, हाई कार्बन स्टील में आ जाएंगे, है ना। इसके हथौड़ा क्या पहुंचाता है चोट, तो पहले नंबर पर आपको याद रखना है चोट, जो इस पर चोट, जो जिन औजारों पर चोट पहुंचाई जाती है वो औजार किसके बने हुए, हाई कार्बन चोट। दूसरे नंबर पे जहां धक्का लगता हो, जहां झटका लग रहा हो, जहां कंपन हो, जहां कंपन हो, ठीक है, जहां उच्च भार हो, जहां कैसा हो उच्च भार हैवी लोड हो, घर्षण हो, क्या हो घर्षण हो, जहां ताप हो, जहां दाब हो, जहाँ दाब हो, ठीक है, जहाँ ताप हो, जहाँ दाब हो, जहाँ घर्षण हो, जहाँ कंपन हो, झटका हो, है ना, ये सारे वर्ड जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है। जैसे मैंने पूछा आपसे रेलवे किसका बनाया जाएगा, तो मुझे एक बात बताइए, रेलवे ट्रैक चोट पहुँचती नहीं पहुँचती, उस पर बिल्कुल पहुँचती है, धक्का दबाव लगता है, लगता है, झटका कंपन घर्षण, घर्षण होता है, उच्च भार भी रहता है, ताप भी रहता है, दाब भी रहता है, ये जितने भी वर्ड है इन सब वर्डों से संबंधित अगर कोई भी उपकरण या औजार आ जाता है तो सारा सारा आंसर आपका सीधा सीधा किस पर चला जाएगा, आपका हाई कार्बन स्टील, उच्च मतलब उच्च कार्बन इस्पात पर। क्लियर होगी बात, समझ जवाब दे दोगे भाई, बताओ चीजल किसकी बनेगी, चीजल यानी छेनी, छेनी पर चोट पहुँचाते हैं, ठीक है। फाइल घर्षण, फाइल देखो फाइल से क्या होता है घर्षण होता है ना, स्क्रैपर वो भी काटने का काम करता है ना, इसके साथ साथ जितने भी मतलब आपके रेलवे ट्रैक किसका बनेगा, इसी का बनेगा, ठीक है। और उच्च भार उठाने वाले उपकरण, जितनी भी चीज़ें दुनिया की जिन पर ऐसा हैवी लोड लग रहा है, जिसमें छेनी का क्वेश्चन पिछली बार, चीजल का क्वेश्चन तो कई बोर्डों में कई बार पूछा गया था, तो आपको सीधा सीधा क्या लगाना था, हाई कार्बन स्टील। अगर मैं आपसे कहूँ ड्रिल बिट किसका बनेगा, हेक्सा ब्लेड किसका बनेगा, तो आपके क्या आंसर आना चाहिए, हाई कार्बन स्टील आना चाहिए। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, काफ़ी हद तक आप जवाब देना सीख चुके हैं रेलवे का। अब सुनो, अब हमारा अब समझ लो जरा इसको थोड़ा सा, अब मैंने आपको इसको, मैं इसको इसको दिखा देता हूँ, तो ये हाँ आप इसको क्या कर लेना, आप अपना इस पर आप क्या कर लेना अपना इसको एक बार, वो क्या कहते हैं ना उसको, हाँ तो इसको आप ले लो, है ना, उसके बाद में आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो भाई अगला पॉइंट में क्या थोड़ा भूल जाता हूँ कभी कभी कुछ चीज़ों को, हाँ तो क्या है ये समझ में आ गया होगा आपका सारा, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ तो अब देखो ये तो बात हमारी हमारी अभी तक की बात थी, अगले पॉइंट पर जो हम चलते हैं वो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट अगर आपका काम केवल स्टील पढ़ने मात्र से तो फिर आगे जरूरत ही क्या थी, स्टील से हम सारी चीज़ें बना देते दुनिया की, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है। स्टील के बाद में आता है एलॉय स्टील, कौन सा स्टील आता है,
स्टील के बाद में आता है आपका एलॉय स्टील, है ना। और एलॉय स्टील के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, स्टील जो होता है ना स्टील में क्या करना पड़ेगा, अन्य धातु मिलानी पड़ेगी, है ना। और अन्य धातु मिलाने के बाद में, अन्य धातु मतलब अदर मटेरियल मिलाना पड़ेगा, अन्य धातु मिलानी पड़ेगी, अदर मटेरियल मिलाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एलॉय स्टील यानी मिश्र इस्पात बनेगा, मिश्र इस्पात बनेगा। अब सुनो मेरी बात, वैसे तो पढ़ाने को तो बहुत डिटेल है इसके अंदर, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना कम पड़ जाएगा, लेकिन रेलवे लोगों को पायलट का पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो मैं उतना ही लेके चलूंगा जितना कि आपके लिए आवश्यक है और जिसमें आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग, देखो एक तो चीज़ होती है आप बहुत लंबा पढ़ रहे हो उसमें तो ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया, एक तो शॉर्ट टर्म में हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, तो उसे हम बेस्ट मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास खुद का ज्ञान प्लस टीचर का सपोर्ट, तुरंत धक्का लगा और एग्जाम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, ठीक है। तो मिश्र इस्पात की बात कर रहे थे तो हमें अन्य धातु, तो एग्जाम में हमारे को दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये इसमें कहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, निकल की, निकल है ना, निकल, निकल जानते हो आप लोग, नहीं जानते, क्या करोगे जान के तुमने अभी तक, तो क्या मतलब ही क्या आया इससे, है ना। निकल देखो हम बात किसकी करने वाले थे, निकल की बात करने वाले हैं ना, निकल, निकल में क्या मिलेगा, स्टील रहेगा, तो स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील का मतलब क्या होता है, Fe+C, Fe+ का मतलब सी है ना, लोहा प्लस कार्बन बराबर क्या होता है, स्टील होता है। तो अब हमें क्या बनाना है, निकल स्टील बनाना है। अब ध्यान से सुनते जाना, कहानी है बहुत शानदार कहानी है, मजा आएगा, बहुत शानदार मजा आएगा। भाई क्या था, निकल एक लड़का था, निकल कौन था, एक लड़का था। अब लड़का है बेचारा बड़ा, पर क्या नाम है आपका, बड़ा हो गया थोड़े ठीक ठाक उम्र का हो गया, तो अब क्या था भाई, कमज़ोर था शरीर वरीर से, थोड़ा मामला गड़बड़ था उसका, तो बोले यार बड़ा कमज़ोर है, ये है लोग उसे क्या पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे तो गालियाँ भी पड़ती थी, बेचारा परेशान परेशान होकर के एक दिन बेचारा घूमते फिरते रेलवे ट्रैक के आसपास घूम गया, उसे अचानक से उसे पेड़ के नीचे नींद आ गई। भाई अब टेंशन में कौन आया, निकल आ गया, निकल बड़ा टेंशन में चल रहा था, टेंशन में चलते चलते जैसे नींद आई, अभी तो गणेश जी का टाइम चल रहा है ना, तो गणेश जी को बुलाते हैं, तो जैसे ही क्या हुआ कि वैसे जैसे ही नींद आई, तो नींद आती है अचानक से क्या है, भगवान आए, बोला बोला जैसे ही भगवान आए, अब जिनके टेंशन होती है उनके सपनों में भगवान आते हैं, तुम्हारे भी आ जाएंगे एक दो दिन में, चिंता मत करो, है ना, ज़्यादा टेंशन वैसे भाई अगर भगवान देख, चलो छोड़ो। तो कुल मिलाकर क्या है, जैसे ही क्या हुआ, नींद आई, नींद आती है क्या हुआ, भगवान आए, भगवान ने आती है क्या पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए, है ना। तो जैसे ही बोला बोल तुझे क्या चाहिए, तो निकल ने बोला भगवान कुछ ऐसा कर दो कि क्या दुनिया मुझे क्या करे, थोड़ा मतलब यूज़ में ले, काम में ले, काम में लेगी तो फिर मेरी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर मेरे को काम मिल जाएगा, तो मैं अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो भगवान ने क्या किया, तथास्तु, तथास्तु बोलते मामला सेट। अब क्या करा, निकल को क्या वरदान दे दिया, भाई तू दुनिया का क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या रहेगा, तू दुनिया का सबसे ज्यादा क्या रहेगा, मजबूत। यानी यहां पर जो वरदान मिला इसको क्या मिला, मजबूती का मिला, किसका मिला, मजबूती का मिला, है ना। तो अब तो ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, जहां पर भी हैवी लोड पड़ता है, जहां बहुत ज्यादा मजबूती की जरूरत होती है, वहीं पर हम किसको बुलाते, भाई निकल आ जा काम कर दे फला फला, ठीक है, कौन कौन से काम, जैसे पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रॉड के नीचे क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट ड्रॉप फोर्स स्टील से बनेगा, लेकिन है तो क्या, निकल, स्टील के अंदर निकल मिलाया, निकल को ड्रॉप फोर्स किया, टपकने लगा, बूंद बूंद गिरने लगा, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद फोर्स कर दिया, फोर्स करने के बाद और ज़्यादा जटिल हो गया, तो है तो क्या निकल, लेकिन टैक्टिक अलग अलग अपनाई गई, तो फिर तो क्या मजा आ गया, तो भाई निकल का तो तारे न्यारे हो गए, अब तो क्या नाम है, निकल हो गया पैसे वाला, अब निकल हो गया पैसे वाला। आप ध्यान सुनना, जितनी भी मशीन के पुर्जे जो आपको दिखाई, जैसे प्रोपेलर शाफ्ट, इंजन से एक शाफ्ट निकल रही है, ट्रक के नीचे आपने देखा ना गोल 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 घूमती रहती है, तो व्हील तक गई तो उसे प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट को क्या करेगी, व्हील पर टॉर्क क्रिएट करेगी, व्हील को चलाएगी, तो इतनी सी शाफ्ट क्या हो रही है, घूम रही है, और जो पहिए को क्या कर रही है, घुमा रही है, तो वो शाफ्ट के ऊपर कितना लोड पड़ रहा हो, आप सोचो ट्रक के अंदर कितना मटेरियल भरा जा सकता है, वो खराब लोड उस पर पड़ रहा है, तो है या नहीं है मजबूत, मजबूत है। आपकी स्प्लेंडर बाइक पर आप पाँच पाँच बैठ जाते हो, मुझे भी मालूम है, तीन तीन चार चार, दो में तो कम्फर्ट, एक में तो ले जाने का अच्छा ही नहीं होती, दो में कंफर्टेबल होते हैं, तीन में लगता है कि हाँ यार गाड़ी पे कुछ
चला रहे हैं, पांच में लगता है कि हाँ यार, तो जब यार उसमें इतनी सी कनेक्टिंग रॉड है, उस कनेक्टिंग रॉड पर आप इतना प्रेशर डाल रहे हो, पाँच छः तीन चार क्विंटल का लगभग, तो इतना मतलब प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो क्यों आई? क्योंकि वो क्या है, मजबूत है, निकल स्टील की बनी हुई है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सारी सारी क्या है, मजबूती जो जिनके अंदर ज़्यादा है वो क्या है, निकल की बनी। तो आपको डायरेक्ट बोलना है निकल, क्योंकि देखो लॉजिक चीज़ अलग होता है, पढ़ाई चीज़ अलग, लॉजिक को समझो, बाकी तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हाँ, अब निकल के पड़ोस में एक पड़ोसन रहती थी, इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम था आपका क्रोमियम। इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम था आपका क्रोमियम। अब क्रोमियम यानी सीआर है ना, अब क्रोमियम था। अब क्रोमियम बेचारी किसके पड़ोस में? निकल के पड़ोस में, और निकल के पड़ोस में पड़ोसन का नाम क्या? क्रोमियम। अब क्रोमियम बेचारी किसको देखती? निकल को देखती, लेकिन निकल कभी क्रोमियम को नहीं देखता। क्यों भाई? पैसे वाला हो गया ना अब तो। अब ये नहीं देखता, कौन नहीं देखता? क्रोमियम को नहीं देखता। तो अब मामला गंभीर किसका? क्रोमियम का। क्रोमियम आ गई टेंशन में, और टेंशन में आई तो क्या है, भगवान बोला बोल तुझे क्या चाहिए। तो जैसे ही क्रोमियम के सामने भगवान है, तो भगवान से क्रोमियम ने बोला भगवान कुछ ऐसा कर दो जिससे दुनिया मुझे देखे और देखती ही रह जाए। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? तो भाई अब क्या था, तो ध्यान समझना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को समझना। क्रोमियम को जैसे ही इतना बोला गया, तो इसके बाद में फिर क्या हुआ? फिर क्या था, क्रोमियम को भगवान ने क्या दिया? भगवान वरदान दिया। क्या दिया भाई? कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या होगी? सुंदर यानी चमकदार होगी, और चमकदार होने के साथ साथ तेरे साथ एक और गुण होगा। भाई तुम बहुत सुंदर हो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक गुण और होगा, तुम अंदर से क्या हो, बहुत ज़्यादा जटिल रहोगे। कैसे रहोगे? जटिल रहोगे, ठीक है? लड़की है, सीधी सी बात है, अंदर से जटिल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई ये वरदान मिलते ही, तो भाई एक तो क्या मिला, सुंदरता, यानी सबसे ज़्यादा दुनिया में चमकदार। अगर कोई आपको दिख रहा है चमकदार, तो आपसे कोई बोल रहा है भाई सब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें चमक, शाइनिंग बहुत ज़्यादा, रिफ्लेक्टिव फिनिशिंग जिसमें आपको चेहरा दिखाई देने लग जाए, तो वही चीज़ क्या है आपकी, किसकी होगी? क्रोमियम की होगी। अब क्रोमियम देखते ही आपको बता देना है कि भाई ये क्रोमियम है, तो रिफ्लेक्टिव फिनिशिंग आ रही है। इसके साथ साथ इसकी अंदर की संरचना होगी बहुत ज़्यादा जटिल होगी, और जटिल होगी तो इसको काटा नहीं जा सकता, घिसा नहीं जा सकता, यानी ये घिसावरोधी है। कैसी है? घिसावरोधी। कैसी है? घिसाव रोधी का मतलब समझते हो? अगर आपने इसको किसी के साथ क्या किया, घर्षण कराया, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये हम इसका कभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आप मुझे एक बताओ, इसकी शाफ्ट है, एक लोहे की शाफ्ट है, दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो बताओ कटेगा कौन? ये कट सकती है क्रोमियम की? कभी नहीं कट सकती। तो फिर कौन कटेगा? लोहे की कटेगी। तो अगर मान लो शाफ्ट के ऊपर क्या बना दे, धार और बना दे, धार भी कभी नहीं घिसेगी, धार जब कभी घिसेगी ही नहीं, तो कुल मिलाकर के अगर क्या कहें, तो वो किसकी बनाई जाएगी आपकी? वो हमेशा किसकी बनेगी? क्रोमियम की। तो जितने भी धारदार वगैरह औजार हैं, ऐसे धारदार औजार जिनसे मतलब टेक्निकली वर्क किया जाता है, नॉर्मल घरेलू उपयोग में जिसका उपयोग नहीं लिया, लाइसेंस जिनके पास होता है, उन्हीं के पास ये औजार पाए जाएंगे ना, तो वो सारे सारे किसके बनेंगे? क्रोमियम के बनेंगे, घिसावरोधी। जितने भी काटने वाले कटिंग टूल्स हैं, जिनके पॉइंट होते हैं, बिल्कुल पॉइंट होते हैं, निब होते हैं जिनके ना, वो सारे सारे किसके बनेंगे? क्रोमियम के बनेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, क्रोमियम। अब क्रोमियम आ गया, निकल आ गया, दोनों पड़ोस में, तो सीधी सी बात है अभी क्या होगा? अभी तो क्रोमियम ने निकल को देखा, अब निकल ने किसको देखा? क्रोमियम को देखा आंखों से, और क्या हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि भाई इन दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। और शादी होने के बाद में क्या होते हैं भाई? बच्चे हो गए। अब इनके क्या हो गए? एक लड़की होगी। उस लड़की का क्या नाम था भाई? उस लड़के का इन्होंने नाम रखा स्टेनलेस स्टील। क्या नाम रखा? स्टेनलेस स्टील। भाई सीधी सी बात है, इन दोनों का शादी हुई, तो शादी होने के बाद में क्या लड़की हुई, तो उसका क्या नाम रखा? स्टेनलेस स्टील। अब लड़का होता स्टेनलेस स्टील, ठीक है? अगर लड़का होता तो निकल पड़ जाता, लड़की हुई है तो किस पर जाएगी? भाई अपनी माँ पर ही तो जाएगी। तो माँ कैसी? क्रोमियम कैसी? चमकदार। और चमकदार यानी कि अब आपसे ये जेई एग्जाम तक पूछा गया प्रश्न है, ये
ये जेई एग्जाम तक पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें क्या है आपका क्रोमियम प्लस निकल, और हर बार आता है एग्जाम में, और हम लोग भी समझदार हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, नहीं मानते इसको, कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं। ध्यान सुनना, स्टेनलेस स्टील किसकी किससे मिलके बनी है, क्रोमियम और निकल। लड़की है किस पर गई, माँ पर, माँ पर गई तो माँ कैसे है पहले चमकदार, तो ये भी कैसी होगी चमकदार, ठीक है, ये कैसी होगी चमकदार, ठीक है, और चमकदार के साथ साथ ये क्या होगी घिसाव रोधी भी होगी, घिसाव रोधी भी होगी, ठीक है, और घिसाव रोधी होने के साथ साथ क्या होगी ये जंग रोधी भी बनेगी, कैसी बनेगी जंग रोधी, और भाई इस पर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बेदाग इस्पात भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेदाग इस्पात, और घरों में जितने भी उपकरण हैं, जितने भी सॉरी घरों में जितने भी बर्तन वगैरह बनाए जाएंगे वो सब किसके बनेंगे स्टेनलेस स्टील के, इसके अंदर भी फिनिशिंग लगभग क्रोमियम के समान होगी, लेकिन क्रोमियम से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम रहेगी लेकिन रहेगी बिल्कुल वैसी। घरेलू नाइफ चाकू की बात की जाए, सामान्य उपकरण जो धारदार होते हैं जो हम उपयोग में ले सकते हैं, इसको तो नहीं ले सकते हैं, इसको तो इसके ऊपर बैन है एक तरीके से कहा, केवल वर्कशॉप वगैरह में, मिलिट्री आर्मीज वगैरह के अंदर, और जो खतरनाक वाले चाकू वगैरह ऐसी चीज़ों में वहाँ पर उपयोग में ले सकते हैं, इसको हम यूज़ में ले सकते हैं, इसमें क्रोमियम है, लेकिन क्रोमियम का काम तो क्या है, वही काम है, धारदार है, घिसेगी नहीं, घिसाव रोधी है, वह सब सारा का सारा सेम रहेगा, लेकिन जंग रोधी भी रहेगी, बेदाग भी इसे ही कहा जाता है, तो स्टेनलेस स्टील हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या चमकदार है घिसाव, तो जहाँ पर चमक होगी वह स्टेनलेस स्टील भी आएगा और ये भी आएगा। अब ध्यान सुनो, ये घिसते नहीं है, तो मैं आपसे एक बात पूछूं, बेयरिंग, बेयरिंग बहुत छोटा सा पॉइंट है, बेयरिंग, बेयरिंग का भी घिसना चाहिए क्या, नहीं घिसना चाहिए, बेयरिंग किसका बनेगा भाई, बेयरिंग बनेगा क्रोमियम का, ठीक है, और भी पुर्जे जैसे शोकर वगैरह गाड़ियों में देखा होगा तो किसके बनाते क्रोमियम, ताकि वो बार बार घर्षण होगा तो कटे नहीं, तो किसके बनेंगे आपके स्टेनलेस स्टील के, और भी कई जगह पर जहाँ पर ये सब क्या है स्टेनलेस, तो इन दोनों के लगभग काम एक जैसे हैं, लेकिन अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करनी है तो स्टेनलेस स्टील, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में थोड़ी और मजबूती रख चाहिए तो क्रोमियम। अब इसके बाद में अगले टाइम अगले पॉइंट पर चलते हैं, तो इसी के बाद में अब क्या है, अब कौन आता है, अब देखो कहानी तो चली रही थी हमारी, अब आएगा विलेन, कौन आएगा विलेन, विलेन कौन है टंगस्टन, टंगस्टन, अब टंगस्टन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से, जो पहले पसंद करता था किसको क्रोमियम को, लेकिन क्रोमियम की तो क्या हो गई शादी, और शादी होने के बाद में क्या हो गए फिर मामला तो गड़बड़, अब टंगस्टन को किसी काम का भाई, टंगस्टन के लिए क्रोमियम तो कोई मतलब वाली बात नहीं, अब तो सीधी सी बात है ये बड़ा परेशान परेशान है, तो फिर सीधी सी बात है हर जगह जाता है तो वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर मामला बिगड़ जाता है, तो अब बेचारा परेशान है तो अपने में कौन है भगवान, और भगवान ने आती क्या बोला, बोला बोल तुझे क्या चाहिए, बोला जो चाहिए था वो तो किसी और को, भाई जो चाहिए था वो किसी और को दे दिया, तो मामला तो क्या होगा गड़बड़ हो गया, तो अब क्या गड़बड़ हुआ, तो फिर उसे बोला भगवान कुछ ऐसा कर दो कि जो मेरा क्या नाम है ये जो आग जल रही है ना उसको क्या कर दें हम ठंडा कर ले, तो बस इतना बोलते भगवान ने बोला तथास्तु, तो दुनिया का क्या रहेगा, तो दुनिया का क्या रहेगा सबसे ज़्यादा ताप को सहन करने वाला क्या रहेगा धातु रहेगी, तो सबसे ज़्यादा ताप रोधी है, ताप की क्या है रोकने वाली, ताप ताप सहन करने योग्य, सहन करने योग्य, एक तो ताप सहन करने योग्य सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या है ताप को सहन करने योग्य, और ताप वही होता है जहां होता है घर्षण, घर्षण है जहां जहां ताप है वहां वहां, तो घर्षण को भी ये क्या करेगा घर्षण है ना, ताप, मैं इसको एक काम करता हूँ यहीं पर ही एक साथ लिख देता हूँ ताप ऑब्लिक घर्षण है ना, ताप ऑब्लिक घर्षण, तो ताप और घर्षण दोनों को सहन करने वाला कौन है आपका टंगस्टन, तो जहां पर भी फ्रैक्शन हो रहा हो जहां पर भी गर्मी आ रही हो वहां आपको सीधे सीधे टंगस्टन, अब जैसे हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड, अब हेक्सा ब्लेड दो सतहों के बीच में क्या करता है काटता है इस तरीके से ना, तो घर्षण होता है ताप होता है, ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है तो फिर मामला बिगड़ जाता है, और मामला जब बिगड़ जाता है जब आपका इसका क्या होता है जब घर्षण होता है तो घर्षण से गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने से जब क्या होता है कि मामला वहाँ क्या हो सकता है कोई भी चीज़ गर्म होकर के क्या हो जाती है उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अगर हमारे उस धातु के अंदर क्या डला हुआ टंगस्टन डला हुआ तो क्या करेगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर तक क्या करेगा उसको सहन करेगा। अब क्या होता है देखो टंगस्टन का धातु में सबसे ज़्यादा गलनांक है,
कितना है 3450 3450 है ना, 3450 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा गलनांक इसी धातु का, और इसको हम वहीं डालेंगे जहाँ घर्षण। अब घर्षण और कहाँ कहाँ होता है, मिलिंग कटर, मिलिंग कटर जानते हो, गहराई से काटने वाला कटर, किसी भी चीज़ को गहराई से काटने में, पत्थर काटने वाला कटर किसका बनाओगे, ड्रिल बिट के अंदर भी आप क्या डालना पसंद करोगे, टंगस्टन। ड्रिप बिल की ड्रिल जो बिट होता है उसकी पहले नंबर पर अगर आप जाओगे तो वो किस पर आएगा, घर्षण भी चाहिए उसको, क्या चाहिए मतलब घर्षण, काटने के लिए घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो ताप बढ़ेगा, तो ताप को सहन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए वहाँ, तो टंगस्टन होना बहुत ज़रूरी है उसमें, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब टंगस्टन के पास में ही कौन रहती थी, अब टंगस्टन के पास में रहती है भाई कौन रहती थी, अब रहती थी कौन, सिलिकॉन, कौन रहती थी, सिलिकॉन, जो पसंद करती थी सिलिकॉन, बोले तो एस आई से रिप्रेजेंट करेंगे ना, जो पसंद करती थी, किसे पसंद करती थी, टंगस्टन, और टंगस्टन तो पहले से ही गुस्से में है, पहले से उसका भेजा क्या है, गरम है। अब गरम व्यक्ति के पास अगर कौन चला गया, सिलिकॉन चलेगी तो मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मामला जब बिगड़ जाएगा तो फिर तो उसका जाना बेकार है, तो भाई मामला इसका गंभीर हो गया, सिलिकॉन टंगस्टन के पास कभी नहीं जा सकती, क्यों, टंगस्टन हमेशा क्या है, गर्म है, और गर्म के पास में अगर ये भी गई तो ये भी गर्म, और गर्म होते पिघल गई, पिघलते ही मामला बिगड़ जाएगा। तो अभी क्या करें, तो अब तो कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा जी, अब ये बेचारी टेंशन में, टेंशन में तो कौन आएंगे, भगवान, भगवान आए तो भगवान ने क्या दिया, वरदान, बोला क्या वरदान दिया, तो जरा समझना मेरी बात को, भगवान ने दिया वरदान, वरदान क्या दिया कि भाई तू ताप की अच्छी क्या होगी, चालक, ताप, ताप, ताप की चालक, ताप रे, ताप की क्या होगी, ताप की क्या होगी, चालक, यानी कि जहां पर भी, जहां पर भी आपका जहाँ पर भी आपका क्या होगा, हैवी टेम्परेचर जहाँ पर होगा, उस टेम्परेचर को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, यानी टंगस्टन मामला, तो फिर क्या करना है, तो अब क्या करना है, तो भाई ये तभी शादी हो सकती है, तो भाई ये अब देखो ताप के चालक मतलब सिलिकॉन टंगस्टन के पास गए, टंगस्टन से अब सीधी सी बात है इसकी गर्मी यहाँ आई, लेकिन इसने इस गर्मी को क्या कर दिया, तुरंत बाहर कर दिया, अब तुरंत ही अब कुछ बिगड़ेगा क्या इसका, कभी कुछ नहीं बढ़ता, तो क्या किया जाएगा, सिलिकॉन कहाँ कहाँ मिलाई जाएगी, रेलवे ट्रैक, बात करो जरा रेलवे ट्रैक की, रेलवे ट्रैक गर्मी में बहुत लंबा है रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक में अगर गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ती क्या होगा, फैलेगा, फैलेगा तो मामला बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो बिगड़ सकता है रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक बिगड़ा तो अब क्या करना है, तो भाई रेलवे ट्रैक की चालकता को, रेलवे ट्रैक के अंदर ऊष्मीय चालकता को बढ़ाने के लिए, हीट की जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलिकॉन मिलाना पड़ेगा, कितना मिलाएंगे, 2 से 4 ट्रांसफार्मर पटलित रोड, जरा बात करो ट्रांसफार्मर पटलित रोड के अंदर भी हमें क्या मिलाना पड़ेगा, सिलिकॉन ही मिलाना पड़ेगा, ताकि वो हीट को क्या कर सके बाहर, तो हीट को बाहर निकालने का काम कौन करता है, सिलिकॉन करता है। तो इतने आवाज समझ में आ गई, लॉजिक समझो भाई, यहाँ पर मेन क्लास आज की जो है वो लॉजिक को समझाने की है। अब इसकी के पड़ोस में एक और थी मिलने वाली, कौन थी, अब सबकी शादी वादियाँ होगी तो अब कौन आ रही है, अब नंबर आने वाला है आपका, किसका आने वाला है, अब जो नंबर है वो है मैग्नीज का, और मैग्नीज को भगवान ने क्या वरदान दिया, अब देखो कहानी मैं थोड़ी से फास्ट ले लेता हूँ, है ना, कंप्लीट कर देता हूँ, मैग्नीज है ना, चलो नेक्स्ट उस पर देखते हैं ना, मैग्नीज है ना, अब मैग्नीज के बारे में अगर बात करें तो इसे हम मैग्नीज से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है, इलास्टिसिटी का गुण होता है, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, लचीलापन, लचीलापन, तो इसको भगवान ने वरदान जो दिया वो लचीलेपन के दिया, लचीलेपन के मतलब जहां पर भी इसके, जहां पर भी हैवी लोड पड़ेगा वहां पर क्या होना चाहिए, लचक चाहिए, यानी कि लीफ स्प्रिंग, ट्रैक्टर ट्रक वगैरह के नीचे क्या होती है, स्प्रिंग लगी होती है। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको बहुत कम समय में और इसको ऐसा समझा रहा हूँ कि भाई आप हमेशा भूलो नहीं इसको कभी भी ना। तो कहाँ, जहाँ पर भी लीफ स्प्रिंग, भाई ट्रक के ऊपर जैसे वजन पड़ता है तो दबती है, दबने के बाद फिर कहाँ आ जाती है ऊपर, रेलवे ट्रैक,
रेलवे ट्रैक में भी मैग्नीज सिलिकॉन तो डलेगा ही डलेगा, मैग्नीज भी डलेगा, और मैग्नीज और सिलिकॉन डलेगा तो कुल मिलाकर के उसमें भी क्या आएगी, प्रत्यास्थ आएगी। अगर ये गुण नहीं होगा रेलवे ट्रैक के अंदर तो मामला बिगड़ जाएगा। रेलवे ट्रैक के अंदर नीचे गिट्टी भी कुछ इसीलिए डाली जाती है ताकि आओ जब ट्रैक क्या हो दबे, भाई हमारी गाड़ी में तो शॉकर है और भी चीज़ें टायर है उसकी पकड़ है, वहाँ पर अगर पक्का फाउंडेशन कर दे तो रेल क्या कर देगी उसको छोड़ देगी, ट्रेन क्या कर देगी ट्रैक को छोड़ देगी, तो मामला क्या हो जाएगा बिगड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। तो इतना मैग्नीज का समझ में। अच्छा एक और चीज़ देख लो रे यार, वेनेडियम और देख लो, वेनेडियम है ना, तो ये कैसी रहेगी, ये रहेगी घर्षण रोधी, ठीक है। अच्छा अभी अपन ने क्रोमियम पढ़ा था ना, तो क्रोमियम के अंदर अगर हमने क्या पढ़ा था, क्रोमियम की आंतरिक संरचना बहुत जटिल होती है। अब क्रोमियम की आंतरिक संरचना तो घिसती नहीं है, वो घिसती नहीं है, और ये घर्षण का क्या करती है, घर्षण को पूरी तरीके से रोक लेती है, मतलब घर्षण को पूरी तरह घर्षण का विरोध, मतलब चिकनापन होता है इसके अंदर, सीधे सीधे समझो 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 कि इसके अंदर क्या रहेगा, चिकनापन रहेगा, यानी कि फ्रिक्शन का इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं, फ्रिक्शन को समाप्त करने वाली होती है, फ्रिक्शन को क्या करने वाली थी समाप्त करनी, तो थोड़ा सा अगर आपने इसके अंदर वेनेडियम कहीं डाल दिया किसी धातु के, कटिंग टूल्स के अंदर मात्र 1% डाला जाता है, मात्र 1% वेनेडियम मिलेगा, आप कहीं पर भी चले जाओ किसी बुक के अंदर देख लो। वैसे तो यार ये चैप्टर पूरा 1.5 क्लास का 2 क्लास का है लगभग, तो वैसे अब क्या करें, तो उसके अनुसार रेलवे लोको पायलट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत। बैरिंग के अंदर भाई बैरिंग बनेगा किसका, मेन क्रोमियम का बनेगा, लेकिन क्रोमियम में थोड़ा सा वेनेडियम डालोगे तो उससे क्या होगा, वो क्या नहीं होगा आपके, घिसेगा नहीं। और अगर हम इन सब धातुओं का क्या करें, जो हमने अभी पिछली पॉइंट में पढ़ा, पिछले पॉइंट में ये पढ़ा प्लस हमने ये पढ़ा, अगर हम इन सभी धातुओं को मिला दे तो हमारा बनता है HSS, यानी हाई स्पीड स्टील, यानी वे सभी औजार जो हाई स्पीड पर काम करते हैं, यानी कि हाई स्पीड पर काम करते हैं, क्या क्या कहलाएंगे, हाई स्पीड स्टील। और हाई स्पीड स्टील में इन सभी धातुओं कुछ ना कुछ मटेरियल डला होगा, तो आपका ये है ब्रह्मास्त्र। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए ड्रिल बिट किसका बनेगा, तो सबसे पहले नंबर पे आंसर आएगा आपका हाई स्पीड स्टील, दूसरे नंबर पे आपका आएगा हाई कार्बन स्टील, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, हाई कार्बन। ये सबसे बड़ी चीज है एग्जाम में, अगर ऑप्शन में अगर आपको ये दिखाई दे गया तो आपको इस पर लगाना ही पड़ेगा, ये अब आपकी मजबूरी है, ये आपके पिताजी के भी क्या है, पिताजी एक तरीके से कहा जाए। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये है हाई स्पीड स्टील, इसमें सभी चीज़ें मिली हुई हैं, तो जितने भी कटिंग टूल बनाए जाएंगे वो सारे सारे हाई स्पीड, अगर आप ऑप्शन में अगर हाई स्पीड आ जाता है तो हाई स्पीड स्टील को आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर हथौड़े से चोट पहुँचाई जाए, चीजल छेनी स्क्रैपर वगैरह और भी चीज़ें जिनसे पंच वगैरह, तो वहाँ हैमर का अलग लग रहा है, तो आपको हाई कार्बन पर ही जाना है केवल। और इसके अलावा कोई अगर मिलिंग कटर है, कटर काटने वाला कटर, वो काटने वाला कटर किसका बनेगा, HSS का बनेगा। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था मिलिंग कटर के लिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, टंगस्टन, टंगस्टन की मात्रा उसके अंदर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, टंगस्टन की मात्रा उसके अंदर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर के कहा जाए टंगस्टन तो होगा ही सही, टंगस्टन तो होगा ही सही, लेकिन यार घर्षण भी तो हो रहा है भाई, घर्षण को भी तो रोकना है और उसको कटने से ही बचाना है, तो क्रोमियम भी होना चाहिए, घर्षण को रोकने के लिए आपका क्या होना चाहिए, वेनेडियम भी होना चाहिए, तो मिला बना किसका, हाई स्पीड स्टील। तो पहले नंबर की प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, हाई स्पीड, और दूसरे नंबर पर आपका आएगा टंगस्टन। आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारा भंडार मौजूद है, लेकिन यार जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं, और आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा ऑल ट्रेड के लिए, ये फिटर विटर डीजल विजल टर्नर रनर सारे ट्रेडों के लिए मिक्स चल रहा है अभी ये, और मिक्स में आपको मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वीडियो को लाइक करो, पहले नंबर पे लाइक कर दो यार, यहाँ पर लाइक तो ठोक दिया करो, जितने लाइव बैठे हो उतने लाइक तो ठोक दो, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपन से क्या हो सके, जुड़ सके। जिनके रेड बटन नीचे जल रहे हैं ना, उसको बत्ती बुझा दो और रेड बटन को यानी उसको चालू करो, यानी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दो, है ना भाई। लाइक भी करो, लाइक करो पहले नंबर पर, लाइक करो यार, लाइक तो बढ़ते हुए दिखाई दो यार। अच्छा, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।